हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आज के एक और नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आवेशों का संरक्षण। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हर साल लिपि बोर्ड में पूछा जाता है। तो चलिए देख लीजिए आवेशों का संरक्षण। आवेश संरक्षण के नियमानुसार किसी विलगित निकाय में कुल आवेश नियत रहता है, अतः आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। एक बार और सुर से देख लीजिए। आवेश संरक्षण के नियमानुसार किसी विलगित निकाय में कुल आवेश नियत रहता है, अतः आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। अब जैसे में देख लीजिए, यदि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाए तो एक वस्तु धनावेशित तथा दूसरी वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। एक वस्तु से जितने इलेक्ट्रॉन की हानि होगी, दूसरे वस्तु में उतने ही इलेक्ट्रॉन की लाभ होगी। एक बार और देख लीजिए यहाँ से, यदि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाए तो एक वस्तु धनावेशित तथा दूसरी वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। एक वस्तु से जितने इलेक्ट्रॉन की हानि होगी, दूसरे वस्तु में उतने ही इलेक्ट्रॉन की लाभ होगी। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया आवेशों का संरक्षण जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल लिपि बोर्ड में पूछा जाता है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको हमारे चैनल पर ऐसे एजुकेशन वीडियो मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।